गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार इलाके में एक पत्रकार को कुछ बदमाशों ने घेरकर गोली मार दी। घायल पत्रकार को बेहद गंभीर हालत में यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। घायल पत्रकार ने बीते दो दिन पहले ही अपनी भांजी से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने वाले कुछ युवकों के खिलाफ विजयनगर थाने में लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी घायल पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर आरोपियों के हौसले इतने बढ़ गए और आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार को घेर कर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल पत्रकार का नाम विक्रम जोशी है, जो दैनिक जनसागर टुडे नामक अखबार में काम करता है। घटना बीते मंगलवार देर शाम की है। घायल पत्रकार के परिजनों के अनुसार कुछ युवक पत्रकार की भांजी पर अभद्र कमेंट किया करते थे, जिसका विरोध करते हुए दो दिन पूर्व घायल पत्रकार विक्रम ने विजयनगर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। बीती देर शाम पत्रकार विक्रम किसी काम से प्रताप विहार में डबल टंकी के पास आए थे, जहां कुछ आरोपियों ने विक्रम को घेर लिया और उसके सर में गोली मार दी। घटना के बाद विक्रम को गाजियाबाद के नेहरू नगर इलाके में स्थित यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये आदमी मैं जानता नहीं किसी को भी, कौन है वो लड़के, उन्होंने एक साथ झुंड मारकर घेरा था डबल टंकी के पास लाला की दुकान के सामने हलवाई की हाल की। हमारी भांजी है, उसके कमेंट्स करते थे लोग, हमने विरोध करा, उस चक्कर में वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी थी थाने के अंदर, देने के बाद दो तीन दिन बाद गोली मार दी। हाँ जी, ये पता सर, अब क्या स्थिति है? हाँ भैया, गोली मार के अंदर यशोदा में एडमिट है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नेथानी के अनुसार आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल कर किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहाँ पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। विक्रम, इनके गनशॉट इंजरी से घायल होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर तत्काल मैं एवं अन्य अधिकारी हम लोग यहाँ पर आए हैं, परिजनों से भी हम लोगों की बात हुई है। इनका नाम विक्रम है, प्रताप विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं।
जैसा कि समझ में आया है इनका जो इन्होंने जो परिजन है उन्होंने कुछ पुलिस को सूचनाएं दी हैं, जो लोग हैं जिनके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने जो है ये घटना इनके साथ कारित की है। अभी इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, टीमें मेरे द्वारा अभी लगा दी गई है और हम जल्दी इनकी धरपकड़ कर लेंगे। सर इससे पहले ये चिकित्साधीन है और जो चिकित्सीय टीम है उनसे मेरी वार्ता हुई है, वो पूरी पूरी कोशिशों के साथ जो है। सर इससे पहले भी विजयनगर में नवीन कुमार हिंट से रिपोर्टर हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी बात कर पाऊंगा अभी मैं, उन्होंने भी तहरीर दी गई है, उनको भी और निशाना बनाया जा रहा है। जो भी इसमें जिन्होंने भी ये घटना कारित की है एकदम सटीक इसमें इन्वेस्टिगेशन करा करके हम लोग शीघ्र ही उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। सर क्या पता लगा कौन लोग थे वो जिन्होंने गोली चलाई? अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, कुछ लोगों के नाम पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, अभी जो जानकारियाँ मिली हैं परिजनों से और अन्य लोगों से बात करके इनके विरुद्ध जो है यथा। साफ है कि पुलिस की लापरवाही और ढुलमुल रवैये की वजह से बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने एक पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार दो दिन पहले ही अपनी भांजी के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों के खिलाफ लिखित में शिकायत दे चुका था, लेकिन पुलिस ने एक लड़की के खिलाफ लगातार अभद्रता और छेड़छाड़ करने जैसे संवेदनशील मामले में भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। हालांकि मामला गरमाने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ वैभव शर्मा, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।